गांव से शहर बनते हम सबने देखा। निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर गांव शहर में तब्दील होने के साथ ही हम अपनी संस्कृति को निरंतर भूलते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब उत्तराखंड के कुमाऊनी कल्चर को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां आते थे, पर आज कुमाऊं के लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे हैं। कुमाऊं की संस्कृति को बचाने के लिए नैनीताल की महिला ने लॉकडाउन में घर की दीवारों, चाय की केतली, तोली, लालटेन व शादी के गडवों आदि बर्तनों पर कुमाऊं की संस्कृति को उकेरा है। नैनीताल की दीप्ति बताती है कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर साफ सफाई करते समय उन्हें 80 के दशक में प्रयोग किए जाने वाले पुराने बर्तन, जिन्हें देखते ही उन्हें बचपन के दिन याद आ गए। बस इन्हें देखकर दिव्या ने घरों के दरवाजों व खिड़कियों की लकड़ियों और पुराने बर्तनों में लुप्त होती संस्कृति को दर्शाने की कोशिश में जुट गई और घर के दरवाजों की चौखट पर देवी देवताओं, हाथी, शेर, मोर आदि के चित्र बना डाले। उन्होंने अपनी कला से पुराने समय के बने घरों की छत पर चिड़िया के घोंसले बनाने का भी प्रयास किया। दिव्या कहती है उन्होंने फेसबुक के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के साथ ही देश और विदेशों में पहचान मिल सके। जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति आने के बाद युवा पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, उसे बचाने का प्रयास कर रही है। आपस में बात कर रहे हैं एक ही खिड़की के घर। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भूलते जा रहे हैं अपने कल्चर को, हमारी संस्कृति को, क्योंकि शहर हम लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, तो बस मुझे लगा कि शायद कुछ जितना मैं कर सकूँ तो मुझे करना चाहिए, तो एक शुरुआत है। अभी मैंने केतली में प्रिंट किया है एंड जो गड़वे होते हैं हमारी शादी में यूज़ होते हैं उनको प्रिंट किया है, फिर ये किया, और अब एक टॉली में कर रही हूँ। फिर फर्सी, लालटेन, जो भी हमारे बर्तन यूज़ हुआ करते थे हमारे गांव वालों में उनको चेंज किया। मेरी कोशिश ये है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को ना भूलें, हम अपने आधुनिकता में इतना ना रम जाएं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, उसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। ये सिर्फ प्रयास है मेरी तरफ से, अब ये देखा जाए कि आगे मेरे जैसे कितने और लोग इससे जुड़े हैं। मैं कोशिश करूँगी।